साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। मध्यम वर्ग के साथ साथ हमारे किसान और हमारे मजदूर साथियों के लिए दो हफ्ते के भीतर भीतर दो बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी गई, लागू कर दी गई। कल ही देशभर में असंगठित क्षेत्र के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिक बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए नियमित पेंशन की योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू हुई है। इस योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों को अब 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3000 रुपये नियमित हर महीने पेंशन तय किया गया है, यानी साल भर में करीब करीब 40,000 रुपया बुढ़ापे में उसको काम आएगा। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, खेत मजदूर है, आपके घर में कपड़े धोने वाला है, या कोई रसोई बनाने वाली बहन आ रही है, या आपका ड्राइवर है, या आपकी सोसाइटी में लिफ्ट चलाने वाला है, या दूध देने आता है, सब्जी बेचने आने वाला है, अखबार बेचने के लिए आने वाला है, ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, जब शरीर काम करता है तब तक तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब शरीर काम करना ढीला हो जाता है तो अपने भी रिश्तेदार बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। ये मोदी सरकार है, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ रही है और 60 साल के बाद उनको 3000 रुपया पेंशन हर महीने मिल जाए, ताकि वो सम्मान के साथ जिंदगी जी सके। और 42 करोड़ लोग इसका फायदा ले सकते हैं, 42 करोड़। इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं मेरी बंजारा समाज की माताएं बहनें यहां बैठी है, हमने अभी घुमंतू समुदाय के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का इस बजट में घोषणा की है। इस घुमंतू समाज के वेलफेयर बोर्ड से समाज में घुमंतू समाज है जिसमें हमारा बंजारा समाज भी है, उनके वेलफेयर के लिए पहली बार देश में अलग बोर्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मुझे कोली समाज के सभी नेता मिले, उन्होंने मेरा सम्मान किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके इस समर्थन के लिए। साथियों, कामगारों की ही तरह देश भर के लगभग 12 करोड़ किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना तय है। इसके तहत केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपये जमा करने जा रही है। 75,000 करोड़ रुपया हर साल। आप कल्पना कर सकते हैं, गांव में जब किसान के हाथ में 75,000 करोड़ रुपया गांव में पहुंचेगा तो गांव की इकोनॉमी कैसी दौड़ने लगेगी। और इसकी पहली किस्त देश के करोड़ों किसानों को ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मिल चुकी है। भाइयों बहनों, ये लाभ कर्नाटक के भी लगभग 71 लाख किसानों को मिलना तय है, लेकिन
मैंने पहली किस्त दे दी, देश भर के किसानों को मिल गई। लेकिन जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, राजनीति के खेल खेलने हैं, किसानों का भला करने का इरादा नहीं है, ऐसी कुछ सरकारें हैं, इनको लगता है कि अगर उनके राज्य में किसान के खाते में 2000 रुपये पहुंच गया तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएंगे। और इसलिए ये कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के पीठ में छुरा भोंक करके सत्ता की गलियारे में पहुंची हुई कांग्रेस और रिमोट से चल रहे मुख्यमंत्री, इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए, लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया। इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। कर्नाटक का कोई भी किसान किसान विरोधी लोगों को माफ नहीं करेगा। आप मुझे बताइए भाइयों, जब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है, किसान के खाते में दे रही है, तो इनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? इनको तकलीफ होनी चाहिए क्या? तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोदी सीधा बैंक के खाते में पैसा जमा कर रहा है, बीच में कटकी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कोई उसमें से 2-5 रुपया भी निकाल नहीं पाएगा। अगर उसमें से कुछ मिलेगा नहीं तो करेंगे क्यों? ये भ्रष्टाचार के आदि लोग कर्नाटक के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर कर्नाटक के किसानों के हक के बीच में वो दीवार बन के खड़े रहे तो कर्नाटक के किसान उस दीवार को ध्वस्त कर देंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। भाइयों बहनों, यही भ्रष्टाचार और वंशवाद की महामिलावट करने वाले लोगों की यही असल मंशा है, यही इन लोगों की सच्चाई है। ये वोट के लिए किसान गरीब का नाम लेते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद किसान को भूल जाते हैं, गरीब को भूल जाते हैं। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, बेंगलुरु में पता चले जरा। कर्ज माफी के नाम पर वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था कि नहीं किया था? सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? झूठ बोल करके वोट ले गए कि नहीं ले गए? जनता की आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? लोगों को मूर्ख बनाया कि नहीं बनाया? क्या कर्ज माफ हुआ? क्या कर्ज माफी पूरी नहीं हुई? किसानों, उसके बदले में क्या हुआ? किसानों पर केस कर दिए, केस, पुलिस वालों को भेजा। यही इनका तरीका है। कर्नाटक के किसानों ने ऐसे खिलाड़ियों का बराबर हिसाब चुकते करने का मौका आ गया है। खुद तो अपना वादा निभाते नहीं है, और दूसरा अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो लाभ भी किसानों तक पहुंचाने में अड़ंगे डाल रहे हैं, अड़ंगे डाल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिचौलिए दलालों को मेरी योजना में कोई जगह नहीं है।